मंदिर वंदिर बनाते हैं ना, हिंदू धर्म में जो हमारा मंदिर वंदिर होता है उसका भी बनाने का अपना अलग अलग डायग्राम होता है। कोई जो है वो द्रविड़ शैली में बनाते हैं, कोई बेसर शैली में बनाते हैं ना। और जैसे हमारा ये जो भोरम देव का मंदिर है वहाँ पर आप जाके देखोगे वो नागर शैली में बना है वो जो मंदिर है वो। और आप तिरुपति बालाजी तरफ जाओ उस तरफ पूरा द्रविड़ शैली में मंदिर बनाया जाता है। तो वैसे जो है मंदिर की जो शैली है वो कॉम्पिटिशन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म में ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, बस क्या बनता है तो बौद्ध मठ बनता है, तो बौद्ध स्तूप बनता है। तो मठ मतलब बौद्ध भिक्षु लोग जहाँ इकट्ठा होकर एक साथ रहते हैं उसको बौद्ध मठ बोलते हैं, और जहाँ वो लोग पूजा करते हैं अपना पूजा पाठ उन लोग का जो मंदिर होता है उसको वो लोग स्तूप बोलते हैं। उसका ज्यादा कोई डायग्राम नहीं है, एक ही डायग्राम में बनता है। तो बौद्ध स्तूप के डायग्राम को समझना थोड़ा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि किसी भी विषय को अगर हम ऊपरी ऊपर ऐसे रट लेते हैं तो वो हमेशा के लिए साथ नहीं देगा हमारा। अगर उसको थोड़ा अच्छे से गहराई से एकदम रिसर्च लेवल पर अगर हम उसको तैयार करते हैं तो याद भी हो जाएगा अच्छे से, आगे भी याद रहेगा, जल्दी भूलेंगे नहीं, और किसी को बताने के लिए भी अच्छा रहेगा। कभी देखने के लिए है, घूमने के लिए गए तो दो लोगों को हम बता सकते हैं हाँ ये इसको ये बोलते हैं सिर्फ। आजकल ज्यादातर हम क्या करते हैं गाइड वगैरह लेके या कुछ भी हम परीक्षाओं के लिए जो आता है ना उसको लेकर के हम क्या करते हैं रटना चालू कर देते हैं सवाल। तो उस वैसा ना करके इसमें क्या थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगता है, इसको समझ लें तो ज्यादा अच्छा है, बेस बनता है। तो गौतम बुद्ध के बारे में मैं क्लास यहाँ पर लिया था ना, तो लगभग सबको उसके बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम गौतम बुद्ध के जाने के बाद अभी जो अवशेष बचे हैं जो भी उसकी कल्चर संस्कृति है उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम बौद्ध स्तूप को समझते हैं। तो देखिए बौद्ध स्तूप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे हमारा मंदिर बनता है सामान्यता ना ऐसा नहीं होता ही, हर कल्चर का हर धर्म का अपना अलग अलग थोड़ा सा रहता है क्या अंतर रहता है। जैसे कि हम अपने में अगर देखते हैं हिंदुओं में तो मंदिर थोड़ा अलग बनता है, मुस्लिमों का जो है वो थोड़ा सा अलग बनता है, ठीक है, उन लोगों का मस्जिद है होता है वो अलग, गुरुद्वारा थोड़ा सा चर्च अलग से बनता है। तो ऐसे बौद्ध लोगों का बौद्ध स्तूप जो है वो दूसरे धर्म के भवन जो होते हैं या दूसरे भवन के जो दूसरे धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं है ना, मंदिर वगैरह जो होते हैं उसके मुकाबले ये थोड़ा अलग होता है। देखिए कैसे होता है, इसमें सबसे पहले तो डायरेक्ट इन लोग मंदिर नहीं बनाते है ना, कल नेता लोग आए थे सब बड़े बड़े नेता लोग, स्कूल में आते हैं हम लोग कितना रोल रहता है हम लोग का, अभी हम लोग के मोहल्ले में आए थे जो जानते नहीं है ना, लेकिन लड़का हमारे मोहल्ले का है ना, उसको एक दिन सब जने मोहल्ले वाले पकड़ के पीट दिए थे, उसी को नमस्ते भी है नमस्ते करके दूर से चिल्ला। स्कूल में आते हैं कितना रोल दिखाते हैं हम लोग, यहाँ जो मिल रहा है उसका पैर छू ले रहा है किसी का भी, किसी वोट के लिए कुछ भी कर देते हैं पता है ये। तो चलिए देखिए इसमें डायरेक्ट मंदिर नहीं बनाते, सबसे पहले क्या बनाते हैं बेस बनाते हैं, चबूतरा चबूतरा बनाते हैं। जैसे कहीं कार्यक्रम होता है हमारे स्कूल में क्रिकेट होता है जब तो स्टेज बनाते हैं ना जी चबूतरा, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं सबसे पहले जमीन पर डीपीसी डाल करके सबसे पहले क्या करते हैं तो चबूतरा बनाते हैं, तो स्टेज बनाते हैं। और इस स्टेज को क्या कहा जाता है वेदिका, है ना, ये जो पहले नंबर पर ये जो पहले नंबर पर आपको दिख रहा है ना ये क्या कहलाता है हमारा वेदिका, वेदिका ठीक है। इस वेदिका के ऊपर जब हम जाएंगे तो ये आपको ये गोलाकार जो है आकृति दिखेगा ना, जैसे हमारा मंदिर अलग होता है ना, ये ऐसा गोलाकार गुंबदाकार होगा, थोड़ा सा गुंबद अलग रहता है, गुंबद ऐसे बनता है ऐसे है ना, ऐसा थोड़ा दिल जैसा रहता है थोड़ा सा, और ये बिल्कुल बीच से है ना, ये ऐसा है आधा अर्ध गोलाकार दोनों अंतर है ना, इसको गुंबद नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अंड है ना, इसमें क्या कहा गया अंड या अंडा या अंडे या एग, अंग्रेजी में इसको एग बोलते हैं, ठीक है, ये इसका डायग्राम है। तो यहीं पर होता है हमारा गौतम बुद्ध का मूर्ति इसी के अंदर बीच में, तो हमको इसी का प्रदक्षिणा करना होता है। जैसे बंजारी मंदिर जाते हैं तो शंकर भगवान है वहां पर, राम भगवान है, चारों तरफ प्रदक्षिणा के लिए जगह बना रहता है ना जी, वैसे हम उसमें क्या करते हैं प्रदक्षिणा करते हैं। यहाँ बौद्ध लोग भी आते हैं, उन लोग को भी प्रदक्षिणा करने के लिए जगह चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये वेदिका के ऊपर चढ़ेंगे तो ये जो एग है इसके चारों ओर उसको घूमना है, प्रदक्षिणा करना है अपने भगवान का, चक्कर लगाना है। तो इसके लिए देखो दूसरे नंबर पर ये को रास्ता बना है ना, ये रास्ता जैसे यहाँ पर समझो ये वेदिका है, ये एग है और इसके चारों तरफ क्या होगा ये ऐसे रास्ता बना होगा, सब बौद्ध भिक्षु लोग और बौद्ध अनुयायी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करेंगे, ये अंड या एग के चारों तरफ।
तो इसको क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ, है ना। वेदिका के ऊपर एक रास्ता होता है जो अंक के चारों तरफ से होके जाता है, एक के चारों तरफ से होके जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। लेकिन कई लोग प्रदक्षिणा करते हुए हो सकते हैं, है ना, बाहर से कोई लोग, हम लोग भी जैसे ताजमहल देखने जाते हैं तो नुकसान पहुंच जाते हैं कई लोग, है ना, कई लोग नुकसान पहुंचा देते हैं। अब मान लो जाए हम लोग फ्रेंड फ्रेंड गए, है ना, ताजमहल देखने के लिए, वहां कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पत्थर पकड़ेंगे और वहां पर लिख देंगे महेश सन रामेश्वरी। अभी क्या है, अपने घर का, अपने स्कूल का कुछ याद होगा, उस याद को हम वहां पर ताजमहल में उकेर करके आ जाएंगे, भित्ति चित्र बना देंगे। बताओ शाहजहां इतना करोड़ों रुपए जमाने में खर्च करके इतना बड़ा चीज बनाया है ना, यूनेस्को का विश्व विरासत है ये हमारा देश का, हम उसमें लिख के आ जाएंगे महेश सन रामेश्वरी, ऐसा लिख देंगे, और आ जाएंगे। अब पता नहीं और कुछ कुछ लिख देंगे, अब क्या क्या लिखते हैं वो देखना है, तो लड़के लोग का बाथरूम काफी है ना, वहां जाके सब लिखते की तरह रहता है अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसा नुकसान ना हो इसको, वो प्यार का प्रतीक है लेकिन ये धर्म का प्रतीक है, यहाँ पर वैसा नुकसान ना हो, इस कारण क्या किया जाता है, ये प्रदक्षिणा पथ में घूमने वाले लोग, ये जो अंड है, ये एग है, एग को टच ना कर सके, इसके लिए क्या किया जाता है, इसको रेलिंग बनाया जाता है, रेलिंग दूर से, है ना, वहां पर एग है ना, तो प्रदक्षिणा करेंगे तो यहाँ पर रेलिंग बनाएंगे, ये ऐसे चारों तरफ घूमेंगे, ऐसे एग को टच नहीं कर सकते हम लोग, है ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सब लोग क्या करेंगे, उसमें टीका लगा देंगे, बहुत सारा कुछ कुछ ला के उसमें पूरा डाल देंगे, कचरा कर देंगे उसमें, तो इस कारण एक से दूर रखा जाता है उसको। और जो ये होता है, जो रेलिंग होता है, जो लोगों को एक से दूर रखता है, एक से बहुत दूरी पर रेलिंग बनाया जाता है लोहे का, इसको क्या बोलते हैं, जरूरी नहीं है लोहे का ही हो, है ना, पत्थर का, सीमेंट का भी हो सकता है, इसको बोलते हैं मेघी, मेघी बोलते हैं मेघी। तो सबसे पहला क्या आ गया हमारा, जब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये बौद्ध स्तूप बनाएंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे, स्टेज, उसको बोलते हैं वेदिका, वेदिका के ऊपर जो हमारा अंड जो होगा या एक जो होगा, एक के बीच में होगा भगवान, है ना, बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध, तो एक के चारों तरफ हमें चक्कर लगाना है, तो चक्कर लगाने के लिए एक रास्ता होगा, ये दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, है ना, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। लेकिन चक्कर लगाने वाले जो लोग है, प्रदक्षिणा करने वाले लोग, वो एक को नुकसान ना पहुंचा दे, कोई टीका वीका लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, तो बहुत पुरानी चीज है, जैसा सांची का स्तूप, सब बौद्ध भिक्षु लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहां पर जाते हैं, हम भी जाते हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, है ना, केदारनाथ है, या फिर वो है हमारा अमरनाथ है, अमरनाथ, है ना, तो ये जो है यहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है भगवान का जगह है, लेकिन ये प्राचीन जगह भी है, है ना, ये धार्मिक जगह है ये, लेकिन ऐतिहासिक जगह भी है, तो धार्मिक जगह है ये हमारा, ऐसे करके पूरा हम उसे बंधन गुलाल लगा दिए, लेकिन आप ऐतिहासिक जगह को खराब कर रहे हो ना वहां पर कर। तो इस कारण क्या किया जाता है, प्रदक्षिणा पथ में थोड़ा आगे एक मेघी या रेलिंग बनाया जाता है, जो आपको अंड तक या तो फिर एक तक जाने से रोकता है, है ना, ये है, ये मेघी है, और मेघी के अंदर में बीच में क्या होता है, अंड या तो फिर एक, ये होता है ना, ये एक गुंबद नहीं बोलेंगे, गुंबद अलग चीज होता है, जो मस्जिद में होता है ना, ये ऐसे निकलता है फिर ऐसे जाता है, इसको गुंबद बोलते हैं, ये ऐसे नहीं निकला है, ये सीधा ऐसे गया है, ऐसे, तो ये क्या है, एग या अंड होते हैं, इसी में अंदर में बीच में यहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति होती है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये अंड के जस्ट ऊपर में यहाँ एक डब्बा होगा, डब्बा, है ना, एक डिब्बा होगा, अंड के जस्ट ऊपर, एग के जस्ट ऊपर में, इसको बोलते हैं क्या, हर्मिका। हमारे मंदिरों में क्या होता है, कलश होता है, है ना, जो हमारा मंदिर है ना, मंदिर के टॉप में क्या होता है, कलश होता है, ऐसे टाइप से जी, ये मंदिर है, है ना, मंदिर है, अब मंदिर के ऊपर में ये ऐसा ऐसा कलश टाइप से होता है, कलश होता है, इसके बाद झंडा होता है, झंडा, तो यहाँ पर क्या होता है, कलश नहीं होता, एक डिब्बा होता है जिसको हर्मिका बोलते हैं, है ना, और हर्मिका के ऊपर झंडा नहीं होता है, क्या होता है, छतरी होता है, तीन ठो छोटा छतरी, फिर बड़ा, ऐसा पत्थर का या लोहे का ऐसा गोल टाइप से बना देंगे, है ना, ये ऐसा गोल टाइप से प्लेट जैसे बना दिए, इसमें फंसा दिए, फिर इसके ऊपर फंसा दिए, फिर इसके ऊपर बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे टाइप से तीन ठो छतरी होता है, इसको छतरी ही बोलते हैं। लेकिन हमारा ये जो बौद्ध स्तूप है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, चलो बताओ आप लोग, सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसका गेट,
है ना, जिसको बोलते हैं तोरण द्वार। आपको क्या लगता होगा ये अंडा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो डब्बा है इसके अंदर कुछ रखा होगा इम्पोर्टेंट है, गौतम बुद्ध की मूर्ति इम्पोर्टेंट है। आप लोग याद रखना, किसी भी मंदिर का भगवान इम्पोर्टेंट नहीं होता, पता है उसका चौखट इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी मंदिर में जा रहे हो ना तो भगवान को एक बार भले प्रणाम नहीं करना, उसके चौखट को प्रणाम करना, उसमें सारा शक्ति रहता है, पता है। तो ये तोरण द्वार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ पर का जो है तोरण द्वार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे सांची का स्तूप है ना, सांची का हमारा जो स्तूप है ना एमपी में, तो सांची का जो तोरण द्वार है, विदेशी लोग जब आए, फ्रांसीसी लोग, अंग्रेज लोग, ये सब क्या करना चाहते थे, ये तोरण द्वार को अपना ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, फ्रांस ले जाना चाहते थे। तो वहाँ की रानी थी शाहजहां बेगम, तो शाहजहां बेगम ने कहा कि भाई इसको क्या ले जाओगे, पत्थर का तो है, जाते जाते टूट भी जाएगा, मत ले जाओ। ऐसे ही मैं आप लोग को क्या है एकदम उसका है ना पुट्ठे का बना के देखी, सेम ऐसे ही रहेगा पुट्ठे का, एकदम पहचान नहीं पाओगे कौन असली है कौन नकली है। उसको ले जाओ मस्त आसानी से, वहां मस्त अपना म्यूजियम में रखना। और इस प्रकार से दोनों लोगों को, ब्रिटेन और फ्रांसीसियों को, पुट्ठे का बना के दे दी। नहीं तो अगर ऐसा मजबूत टाइप से, जैसे आज के समय हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है ना, ऐसा टाइप से अगर कोई मजबूत नेता अगर वहां पर उस समय नहीं होता ना, ये सब तोड़ ताड़ के ले जाए रहते। अंग्रेज लोग का बस चलता तो ताजमहल को भी झोला भर के ले जाते, ये स्थिति है। तो सबको ले जाएंगे बोलते थे, तो ये है ना, इसको भी ले जाएंगे करके फ्रांसीसी और अंग्रेजों का पूरा अधिकारियों का आंख गड़ा रहता था इसमें, इसको ले जाना है। लेकिन वहां की जो रानी थी ना शाहजहां बेगम, उसने पुट्ठे का सेम ऐसे ही बनवा के उसके देश में भिजवा दिया, है ना, इसी को ले जाओगे, आज तक ये सुरक्षित बचा हुआ है। तोरण द्वार चाट तो होता है ना, बौद्ध स्तूप के चारों तरफ चाट तो होता है तोरण द्वार, और बीच में होता है बौद्ध स्तूप। सबसे पहले क्या बनता है, वेदिका, वेदिका के बाद चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ, और प्रदक्षिणा पथ के बाद अंड को कोई छू ना सके, एग को, इसके लिए मेघी बनता है ना। और बीच में होता है हमारा अंड या तो फिर एग, इसी के बीच में होता है गौतम बुद्ध की मूर्ति अंदर में। एक के ऊपर में होता है हर्मिका, और हर्मिका के ऊपर में होता है छतरी, है ना, छतरी होता है। अभी देखो यहाँ पर, और ये चारों तरफ होता है तोरण द्वार। इसमें के पूरा जो डिजाइन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ना जो लोग होते हैं वहां बौद्ध भिक्षुओं के लिए, वो होता है तोरण द्वार, है ना। सबसे पहले जाते हैं उसी को प्रणाम करते हैं। लेकिन जितना भी हमारा ये डायग्राम है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है, ये हर्मिका डब्बा, इसके अंदर जो भरा रहता है वो, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यही डिसाइड करता है कि ये जो हमारा बौद्ध स्तूप है कौन से क्वालिटी का, कौन से ग्रेड का है, ए ग्रेड का है कि बी ग्रेड का है कि सी ग्रेड का है ना। चार प्रकार का होता है हमारा जो बौद्ध स्तूप है ना, वो बौद्ध स्तूप चार प्रकार का होता है। पहला शारीरिक, दूसरा पारभौमिक, तीसरा उद्देशिक, और चौथा हो जाएगा हमारा प्रतीकात्मक। ठीक है, ध्यान से सुनो, पहला शारीरिक, दूसरा पारभौमिक, तीसरा उद्देशिक, चौथा प्रतीकात्मक। चार प्रकार का होता है हमारा ये बौद्ध स्तूप। देखो ये जो हर्मिका है, हर्मिका के अंदर में, ये डब्बा के अंदर में, अगर गौतम बुद्ध का हड्डी या तो फिर उसका कोई इम्पोर्टेंट शिष्य है उसका हड्डी अगर रखा गया है, तो वो क्या कहलाता है, शारीरिक बौद्ध स्तूप कहलाता है। शारीरिक के सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, महान। ठीक है, अगर इसके अंदर क्या है, नहीं भरा हुआ है, गौतम बुद्ध का हड्डी या गौतम बुद्ध के कोई शिष्य का हड्डी अगर इसके अंदर नहीं रखे हैं, लेकिन इसके अंदर गौतम बुद्ध जो सामान उपयोग करते थे, कपड़ा वगैरह हो गया या कमंडल, कुछ भी, गौतम बुद्ध जो भी वस्तु इस्तेमाल करते थे, अगर उन वस्तु को अगर इसके अंदर रखा गया है, तो उसको कहा जाता है पारभौमिक बौद्ध स्तूप। पारभौमिक, समझ आ गया, दो प्रकार, हर्मिका इंपॉर्टेंट होता है, हर्मिका के अंदर अगर गौतम बुद्ध या उसके कोई प्रमुख शिष्य का हड्डी रखा हुआ है, अस्थि रखा हुआ है, उसको बोलते हैं शारीरिक बौद्ध स्तूप। अगर गौतम बुद्ध के द्वारा उपयोग किया हुआ कोई वस्तु रखा गया है, तो उसको बोलते हैं पारभौमिक बौद्ध स्तूप। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ नहीं रखा गया, अगर वो खाली है पूरा, क्योंकि ना तो गौतम बुद्ध का हड्डी मिला हमें, और ना ही गौतम बुद्ध के द्वारा उपयोग किया हुआ कोई वस्तु मिला हमें, लेकिन गौतम बुद्ध एक समय यहाँ आए थे, गौतम बुद्ध जो है एक समय यहाँ पर आए थे,
यहाँ की यात्रा करके गए हैं गौतम बुद्ध, जमीन में खड़े थे एक जगह गौतम बुद्ध, तो वहां पर अगर हम उसकी याद में अगर हम बनाते हैं बौद्ध स्तूप तो उसको बोलते हैं उद्देशिक बौद्ध स्तूप, उद्देशिक। लेकिन अगर कोई बौद्ध स्तूप ऐसा है जहाँ गौतम बुद्ध की हड्डी नहीं रखी गई है, न ही उससे संबंधित कोई सामान रखा गया है और न ही गौतम बुद्ध वहां आए हैं, अपने मन से ही बना दिया है ना, जैसे कि यहाँ पर WRS में जो हमारा साईं मंदिर है ना उसके बगल में है और सामने देखना तोलर द्वार की ऐसा बना है लोहे का, क्योंकि WRS है ना वहाँ लोहे का काम होता है, रेलवे संबंधित काम, तो इस कारण लोहा बहुत है, तो लोहे का बना है तोरण द्वार, देखना जाके साईं मंदिर के बगल में, क्योंकि भाई आपने बौद्ध स्तूप बना दिया और तोरण द्वार गेट को ऐसे ही बना दिया, कांटा तार लगा दिया और सिंपल से जो मेरे घर में गेट है वैसे ही लगा दिया, तो थोड़ी है बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना तोरण द्वार, तोरण द्वार बनाना बहुत जरूरी है, तो देखना वहाँ तोरण द्वार बना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर गौतम बुद्ध का हड्डी या वस्तुएं अर्मिका के अंदर नहीं है, गौतम बुद्ध कभी गए भी नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी वहां पर बना दिया गया, वहां कुछ बौद्ध लोग रहते हैं उनके पूजा पाठ के लिए अगर बौद्ध स्तूप अगर बना दिया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतीकात्मक बौद्ध स्तूप, है ना, प्रतीकात्मक बौद्ध स्तूप। चार प्रकार के बौद्ध स्तूप आप याद रखना, शारीरिक अगर अर्मिका में गौतम बुद्ध या उसके प्रमुख कोई शिष्य का हड्डी रखा हुआ है, पारभौमिक अगर गौतम बुद्ध से संबंधित कोई वस्तु उसमें रखी गई है, उद्देशिक गौतम बुद्ध से संबंधित कोई वस्तु उसमें नहीं है, ना ही गौतम बुद्ध या उसके शिष्य की अस्थियां उसमें है, खाली है वो, लेकिन गौतम बुद्ध एक समय में वहां पर गए थे, गौतम बुद्ध वहां पर कभी गए थे धर्म प्रचार वगैरह करने के लिए या घूमते हुए कभी गए थे, तो वहां पर अगर उसके रास्ते में जिस रास्ते से होकर के वो गुजरे हैं अगर उस रास्ते में बौद्ध स्तूप बना रहे हो तो वो तीसरे प्रकार का आएगा, है ना, उद्देशिक बौद्ध स्तूप। अपने मन से अगर कहीं पर भी बना रहे हो तो वो आता है प्रतीकात्मक बौद्ध स्तूप, है ना, प्रतीक के रूप में बना रहे हो बस, ना तो गौतम बुद्ध का उससे कोई संबंध नहीं है, वहां पर कोई हड्डी नहीं रखा है उसका, ना वस्तु रखा है, ना गौतम बुद्ध कभी आए थे, बस थोड़ा सा प्रतीक के रूप में, जैसे सामने भगवान का फोटो रख दिया फिर पूजा करते हैं तब अच्छा लगता है, हाँ भगवान बैठे हैं ऐसे टाइप से, और बिना भगवान के फोटो या मूर्ति के पूजा करते हैं ना तो उतना फीलिंग नहीं आता है। हम लोग भी जैसे कुछ पढ़ाते हैं ऐसे डायग्राम बना के पढ़ाते हैं ना जी, तो फीलिंग आता है हाँ, और ऐसे ही सीधा खड़े होकर मैं बोलना चालू कर दूं तो फीलिंग नहीं आएगा, तो वहाँ के जो लोग हैं पूजा पाठ करते समय थोड़ा फीलिंग आए गौतम बुद्ध का, इसलिए बना दिया गया है स्तूप को, तो उसको बोलते हैं प्रतीक के रूप में बनाया गया है, प्रतीकात्मक बौद्ध स्तूप, ठीक है। तो ये बौद्ध स्तूप के बारे में एक सामान्य जानकारी थी, और बाकी जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं क्या है ये सारा चीज मैं बता दिया हूँ, है ना, और चार जो है आर्य सत्य, है ना, बौद्ध गौतम बुद्ध ने बताया था जीवन में दुख ही दुख है, ठीक है, पहला क्या है जीवन में दुख ही दुख है, और दूसरा दुख का कारण भी है क्या है, तृष्णा या इच्छा, ये पूछेगा जी ध्यान रखना, चार आर्य सत्य बताइए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, आप सभी जानते हैं, कभी ध्यान नहीं दिए होगी इसके ऊपर, हमारे भी जीवन में दुख ही दुख है, हम जानते हैं अरे पास होना है, बारहवीं पास होना है, अच्छा नंबर लाना है, पेपर होगा कि नहीं होगा, है ना, चंदा खुश हो गई थी पेपर अभी नहीं होगा, कोरोना चालू हो गया है, अब देखियो नहीं उसका कोरोना नहीं आया, निगेटिव है उसका, है ना, तो कोरोना चालू हो गया, बोल रहे थी सर पेपर नहीं होगा ना करके, पेपर होके रहेगा, हमारे स्कूल में अगर मान लो या कुछ हो जाता है ना दूसरे स्कूल जाओगे पेपर दिलाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं सोचना भाई पेपर नहीं होगा इस समय ऐसा करके, अब हो चाहे ना हो अपनी तैयारी तुम खुद रखो, होने का चांस ज्यादा है, तुम आशा बना के बैठे रहोगे नहीं होगा करके, हो गया कैसे करोगे, और होगा करके आशा बनाए हो और नहीं हुआ तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तैयारी तो है ना, अपना काम आएगा जीवन में कभी भी, ठीक है, तो पेपर होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, चार आर्य सत्य, पहला हम सबके जीवन में बहुत दुख है ना, जीवन में दुख ही दुख है, और आप सभी के जीवन में भी दुख है, आप बताओ पढ़ाई वढ़ाई करते होगे इतने ज्यादा घर में, है ना, और जो नहीं करते हैं ऐशो आराम से घर में रहते हैं उसके जीवन में भी दुख है, अभी ऐसो आराम है लेकिन जब पेपर के समय उसको सबसे बड़ा दुख आ जाएगा, दुख का पहाड़ टूट जाएगा उसके ऊपर, है ना, तो अभी जब थोड़ा थोड़ा दुख ले रहे हैं ना उसके लिए ठीक है ना, आगे वही दुख जो है सुख में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है, और दूसरा क्या है, दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा हमारे अंदर की इच्छा, दुख का कारण क्या है, इच्छा हमारे अंदर की तृष्णा, ठीक है, अब भाई दुख से मुक्ति चाहिए भैया मेरे को, तो कैसे मुक्ति चाहिए, इच्छा छोड़ दो, इच्छा ही छोड़ दो, छोड़ दो, अपने को पास होना है, सोचना ही नहीं है, जो होगा भगवान देखा जाएगा, दुख से मुक्ति मिल गई, ऐसे इसके बोलने का मतलब ये नहीं है,
है ना, मैं व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्या था, जीवन में दुख ही दुख है, दूसरा दुख का कारण इच्छा है, और तीसरा दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। इच्छा से मुक्त हो जाओगे तो दूसरी तरफ दुख से भी मुक्त हो जाओगे। लेकिन भाई इच्छा से मुक्ति कैसे मिलेगी, इच्छा तो हमारे अंदर हमेशा आती रहती है, बाजा नहीं बजा तो बार बार से खोल के बंद करते हैं। तो भाई इच्छा से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा हमेशा आता रहता है, रास्ते में चल रहे हैं ना, कोई कुछ खा रहा है उसको देख करके हमारे अंदर लालच आ जाता है, इच्छा आ जाता है, कोई कार में चल रहा है उसको देख करके हमारे अंदर इच्छा आ जाता है। इच्छा हर क्षण जब हम देखते रहते हैं हमारे अंदर उत्पन्न होते रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इच्छा है चलो छोड़ देते हैं उसको मुक्ति मिल जाएगी, इच्छा तो हमेशा नया नया बनता है, तो वो बने मत। इच्छा से मुक्ति कैसे मिलेगी, तो इसके लिए गौतम बुद्ध का अष्टांग मार्ग अपनाना पड़ेगा, है ना, अष्टांग मार्ग। ठीक है, तो चार आर्य सत्य आप याद रखिए और आठ को अष्टांग मार्ग आप याद रखिए, है ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये जो भी है ना, ये सारी चीजें आठ को आप याद रखिए। और ये दोनों में से ना, चार आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग, ये दोनों में से एक चीज को पेपर में निश्चित पूछेगा। ठीक है, चलिए।